हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने वाइट हेयर। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद बाल सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मेरे कितने सफ़ेद बाल हैं। जो बोलते हैं कि आपके बिल्कुल भी सफ़ेद बाल नहीं हैं, तो दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से अपने बालों पे कुछ नहीं लगाई थी, बस और बस इस वीडियो के लिए आप सभी को दिखाना चाहती थी कि मेरे भी सफ़ेद बाल हैं, मेरी भी उम्र हो गई है। बट मेरे जो सफ़ेद बाल है वो नेचुरल तरीके से काले हो जाते हैं। मैं इस्तेमाल करती हूँ बिल्कुल नेचुरल रेमेडी। तो आज मैं आपके साथ एक और बेहतरीन रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों बहुत ही कमाल की रेमेडी है। इसमें मैं मेहंदी इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसमें मैं कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल करने वाली हूँ। सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगी। और इसे वैसे ही लगाना है जैसे कि कोई आप हीना पैक लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं ना, बस उसी तरह आपको इसे लगा लेना है। लगा के मैं इसे छोड़ दी थी 3 घंटे के लिए और मुझे रिजल्ट इसका 100% मिला है फर्स्ट टाइम में ही। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निधि, आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है और अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ। आपके बालों में पहले से तेल नहीं होना चाहिए और इसे इस तरह से अपने पूरे हेयर पे आपको इसे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आप क्लचर की हेल्प से या रबर बैंड की हेल्प से इसे टाई कर लें और 3 घंटे के लिए मेरी तरह इसे छोड़ दें। और उसके बाद आपको केवल और केवल नॉर्मल पानी से वॉश करना है और आपको नेक्स्ट डे इसे शैम्पू लगाना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक क्लीन बाउल लेना है। यहाँ पे लोहे का कोई भी बर्तन नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रही हूँ मेहंदी पाउडर, आप कोई भी ले सकते हैं मेहंदी पाउडर। दोस्तों मेहंदी जो होता है ना, ये हमारे बालों पे एक बहुत ही अच्छा सा कलर लेके आता है। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड की ना, तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया। आप चाहें तो यहाँ पर आप टी डिकोशन भी ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि चाय का जो पानी होता है ना, उसे भी आप बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे पानी ऐड की थी, आप इसके जगह पे आप टी डिकोशन भी ऐड कर सकते हैं या तो आंवला जूस भी ऐड कर सकते हैं। और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है हमें। ऐसा नहीं कि फिर लगाने में आपको प्रॉब्लम होने लगे। तो बस इस तरह से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसे क्या करना है। पहले तो आप बहुत ही अच्छे तरह से इसे मिक्स कर लें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। बस इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड की थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक था। अब इसे मैं ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए। जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये जो मेहंदी है ना बहुत ही अच्छे से फूल जाए और कॉफ़ी भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आपको कैसे ढकना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी एयर टाइट चीज़ से आपको यहाँ पे ढकना है। तो मैं यहाँ पे सिल्वर फॉयल से ढक रही हूँ। आप चाहें तो इसके जगह पर आप एयर टाइट कुछ इसका जो कैप होता है ना, उससे भी आप ढक सकते हैं। 3 घंटे लगाने के बाद जब मैं वॉश की ना, तो आपको मैं रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। दोस्तों ये देखिए मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मेरे हेयर पे आया है। बिल्कुल डार्क कलर आ गया है और जितने भी मेरे वाइट हेयर थे ना, बिल्कुल छिप गए हैं, बिल्कुल डार्क कलर में आ गए हैं। और ये बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ है। तो आप भी ज़रूर आजमाइएगा इसे। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।